चैनल मैं गीत कौशिक। फ्रेंड्स, मैं एक ड्रेस मेकर हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बोट नेक में हम कितना हमारा तीरा लें, कितना हम आर्म होल लें और कितना हमारा गला ब्रॉड होगा, कितना हमारा गला डीप होगा। मैं आपको हर साइज के अकॉर्डिंग आपको ये समझाऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बोट नेक गले की कटिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बार आप फ्रेंड्स से कमेंट करके मुझे बताओ मेरी वॉइस सही आ रही है या नहीं, और बोर्ड आपको अच्छे से शो हो रहा है या नहीं। तब तक के लिए मैं अपने सूट की कटिंग के लिए सीधा निशान लगा लेती हूँ। ऐसे फ्रेंड्स हमारा ये लंबाई का नाप होता है। सबसे पहले मैं 31 साइज से स्टार्ट करूँगी, 31 से लेके और मैं 50 तक ये आपको समझाऊंगी, हमारे बस्ट साइज 31 से और 50 तक के में। अब फ्रेंड्स हमारा जो ये बस्ट साइज होगा 31 और हमारा जो ये तीरा है ये फ्रेंड्स तीरा होगा 14 इंच। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक बार आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। जो हम हमारे 31 साइज होगा, 31 से 34 तक जो हमारा बस्ट साइज 31 से 34 तक होगा फ्रेंड्स, वो सेम हमारा तीरा और आर्म होल सेम रहेगा। इसमें जो हमारा तीरा होगा हम इसका आधा ले लेंगे, यानी 7 इंच। फ्रेंड्स इसमें हम जैसे कॉलर वाले में आधा इंच ज्यादा रखते हैं, कॉलर वाले में हम आधा इंच ज्यादा रखते हैं। जैसे हमारा तीरा 7 हुआ तो हम 7.5 इंच लेते हैं। फ्रेंड्स बोट नेक में हम पूरा जितना हमारा तीरा होगा वो हम लेंगे, हमारे यहाँ पे हम पूरा हम 7 इंच लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा आर्म होल लेंगे, आर्म होल भी जितना हमारा तीरा होगा उतना हम अपना आर्म होल ले लेंगे। ये हमारा यहाँ पे हम इसे सीधा निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। स्केल देना। तो फ्रेंड्स ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बस्ट साइज है उसका भी निशान हम लगा लेते हैं। ये तो फ्रेंड्स ये लगा लो, इसमें लूजिंग देंगे तो हम 34 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना बस्ट का भी निशान लगा लेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा होगा। ऐसे हमारे सूट की शेप होती है। नॉर्मल मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। 31 में हमारा तीरा अगर कम होगा, क्योंकि 31 साइज क्योंकि जो हमारा 31 साइज होगा वो किसी लेडीज का तो होगा नहीं, बच्ची का ही होगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा हम 6.5 भी कर सकते हैं 31 में जितना तीरा होगा। अगर 7 इंच है तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये ले लोगे। इसमें हमारे गले की जो डीप रहेगी 31 से 34 तक, 34 तक जो हमारे गले की डीप वो सॉरी ब्रॉड रहेगी, ब्रॉड होगी हमारी, हम इसमें 4.25 भी ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं। ये हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया फ्रेंड्स। और जो हमारा गला डीप होगा इसमें ओनली 3 इंच डीप करेंगे हम। और ऐसे हम अपने बोट नेक की गोलाई बना देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम हमारे जो कंधे राउंड करेंगे वो 1.25 इंच के करीब हम अपनी कंधे राउंड करेंगे। और यहाँ पे हमारे आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। और फ्रेंड्स आगे के हिस्से की भी हम कटिंग करेंगे, वो हम 1 या 1.5 इंच अंदर की साइड करके ये हमारे आगे के हिस्से की कटिंग हो गई, हमारे पीछे की हो गई। हमारा गला 4.25 हमने ब्रॉड लिया है और 3 इंच हमने डीप लिया है। फ्रेंड्स बोट नेक में हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, हमारा यहाँ से लूज नहीं होना चाहिए।
अगर बोट नेक में यहाँ से लूज होगा तो वो ऐसे गला ऊपर को उठेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमारा यहाँ से भी अच्छे से कटिंग होनी चाहिए। अखिल जी हाय, पूनम जी हेलो, जितेंद्र जी हेलो, गीता जी हेलो। तो फ्रेंड्स 31 से 34 तक का हमारा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर्म होल, और जो हमारे गले आर्म होल, तो फ्रेंड्स आर्म होल और तीरा तो आप अपने जितना उनका तीरा होगा उसी के अकॉर्डिंग लोगे। मैं यहाँ पे आपको गले की डीप और ब्रॉड बता देती हूँ, गले की डीप और ब्रॉड। ब्रॉड हमने कितना रखा था 4.25 और डीप हमने 3। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो हमारा साइज आता है ये हम 31 से 34 तक हमारा यही रखेंगे साइज में। उसके बाद हमारा 35 से 38 तक हम, मैं आपको ये बता रही 35 से 38 तक, इसमें हमारा जो तीरा होगा वो कुछ ना कुछ बढ़ेगा फ्रेंड्स, 7.5 भी हो सकता है, अगर 7.5 होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये सभी निशान लगा लोगे। मैं आपको सिर्फ इसकी गले की ब्रॉड और डीप बताती हूँ आपको। इसमें हम अपने गले की जो ब्रॉड होगी वो 4.5 इंच रखेंगे, यहाँ पे 4.5 इंच रखेंगे, और जो डीप रखेंगे फ्रेंड्स वो हम 3.5 करेंगे, ऐसे करके हमारा ये निशान बन जाएगा। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ यहाँ पे जो हमारे डीप होगा और ब्रॉड होगा, डीप होगा फ्रेंड्स 3.5 और ब्रॉड होगा 4.5। उसके बाद फ्रेंड्स 35 और 38 तक हमारा गले का जो डीप होगा वो 3.5 रहेगा और जो हमारी ब्रॉड होगी वो 4.5 रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नाप आता है 39 से 40 तक के नाप में। फ्रेंड्स 39 से 34 तक के में जैसे जैसे फ्रेंड्स हमारा साइज बढ़ता जाएगा तो हमारा जो तीरा है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी बस्ट साइज बढ़ता जाए और हमारा तीरा कम हो। अगर कम होगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना तीरा ले सकते हैं, जितना हमारा तीरा होगा हम वही पूरा तीरा ये लेंगे और उतना ही अपना आर्म होल लेंगे। बस हमें चेंज क्या करना है, बोट नेक बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, हल्का सा चेंज करना है हमें साइज के अकॉर्डिंग, हमारे गले की डीप बढ़ा देंगे और हमारे गले की ब्रॉड बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना, जो बोट नेक होता है वो 4 इंच से ज्यादा कभी भी मत बनाना, क्योंकि अगर 4 इंच से ज्यादा बनाओगे तो गला ज्यादा बड़ा बन जाएगा और ना ही तो बोट नेक की शेप आएगी, अगर आएगी तो वो जैसे ऐसे उठा उठा हुआ होता है ना ऐसे हो जाएगा और झुकने पे बड़ा गंदा लगेगा, इसीलिए 4 इंच से ज्यादा आप अपने जो बोट नेक है उसका गला नहीं बनाओगे। हेलो दीप्ति जी, हेलो पूनम जी। उसके बाद हमारा नाप आया 39 से 40 तक के, 39 से 40 तक के नाप में हम जो हमारे गले की डीप रखेंगे वो हम 3.5 ही रखेंगे और इसकी ब्रॉड हम 0.5 इंच और बढ़ा देंगे, यानी 5 इंच तक हम इसकी ब्रॉड कर देंगे और ऐसे इस तरह हम अपनी शेप दे देंगे। डीप हम 3.5 ही रखेंगे, जो डीप होगी वो 3.5 ही होगी और जो ब्रॉड होगी वो हमारी 5 इंच हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 43 से 46 तक, फ्रेंड्स ये मत सोचना कि तीरा हमें 7 इंच ही रखना है, तीरा आप अपने जो कस्टमर होगा उसका तीरा नापना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये तीरा लेना है। यहाँ पे मैं इसे रब कर देती हूँ और आपको दोबारा से मैं 43 वाले में आपको समझा देती हूँ। ऐसे फ्रेंड्स 43 का नॉर्मली तीरा 16 इंच के करीब मिलेगा, तो यहाँ पे हम अपना 8 इंच ले लेंगे तीरा जो होगा। आठ इंच हमारा आर्म होल लेंगे।
सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमारे आर्मोल भी सेव दे देंगे। फ्रेंड्स अब जो हमारा 43 से 46 तक के जो हमारा तीरा होगा उसमें हम गले की डीप 4 इंच रखेंगे और जो हमारे गले की ब्रॉड रहेगी वो 5.5 होगी। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ऐसे करके हम अपने गले की बोटनेक की सेप दे देंगे और हमारा 0.25 इंच हमारी कंधे डाउन करेंगे। और फ्रेंड्स आगे के लिए हम 1.5 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और ये आगे के हिस्से की हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे हमारा यानी साइज भी बढ़ेगा तो तीरा भी बढ़ जाएगा। तीरा जितना हमारा होगा कस्टमर का उतना ही हम लेंगे, उतना ही आर्मोल ले लेंगे हम। उसके बाद हम 1 इंच या 0.25 इंच ये हम इसको डाउन करेंगे कंधे को और ये हमारी बोट नेक की कटिंग कर देंगे। तो हमारा जो 43 से और 46 तक के में गले की ब्रॉड हमारी डीप हमारी 4 इंच और जो हमारी ब्रॉड होगी वो 5.5 इंच। उसके बाद हमारा साइज आता है 47 से 50 तक। उसमें हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो हमारे गले की ब्रॉड रहेगी क्योंकि फ्रेंड्स 4 इंच से ज्यादा तो हमें अपने गले की डीप नहीं करनी है तो 4 इंच हमारा गला डीप रहेगा और जो हमारे गले की ब्रॉड होगी वो हम 6 इंच कर देंगे। ये 5.5 था तो यहाँ पे हम 6 इंच कर देंगे। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स बोट नेक गला बनाना। तो ये हर साइज इसमें हम मैं आपको बता देती हूँ, डीप और ब्रॉड। डीप हमारी 4 और ये 6 इंच। फ्रेंड्स चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कितने कितने साइज में हमारा गला कितना डीप होगा कितना हमारा ब्रॉड होगा। डीप का डी लिख रखा है फ्रेंड्स मैंने, बी का ब्रॉड लिख रखा है। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक और टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स वो टिप काफी अच्छी है जो आपके बहुत ही काम आएगी। आजकल काफी डिजाइनर गले बन, क्योंकि सभी फैशन का दौर है तो सभी फैशन करते हैं तो सभी चाहते हैं कि हम अलग से अच्छा सा गला बनवाए फैशन का। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कोई कहता है कि हमें बिल्कुल 0.5 इंच ही हमें ये यहाँ पे चाहिए और हमें ऐसे शोल्डर चाहिए बिल्कुल ऐसे। तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें ये फॉर्मूला जो मैंने समझाया वो नहीं लोगे। उसमें आप क्या करोगे, जो आपका जैसे ये है वो बोलेंगी कि भाई हमें यहाँ पे कम ही चाहिए जो हमारा तीरा है। तो आप नॉर्मल जितना 0.5 इंच तो आप बाजू का रखोगे, बाजू तो चढ़ानी है, और 0.5 या 1 इंच का वो बोलेंगे वो रख लेना और जितना हमें पट्टी लगा के गला तैयार करना उतना आप एक्स्ट्रा ले लोगे। और जितना ये डीप कहे ऐसे तो ऐसे यहाँ से उन्होंने 1 इंच की पट्टी के यहाँ पे निशाना कर हमारा, तो ऐसे हम उसे बना देंगे। अगर किसी को बिल्कुल ही 1 इंच चाहिए तो आप ऐसे सेप उसकी दे दोगे और आप उनसे डीप पूछ भी लोगे क्योंकि सबका टेस्ट भी अलग होता है इसीलिए। आई होप फ्रेंड्स से आपको बोट नेक गले की कटिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना, कमेंट में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर ना भी आप समझ पाए तो आपको मैं नेक्स्ट